هلا اجا الزعيم العظيم على دين بابا. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो गाइस, जैसे कि हमने अभी पहले मॉडल पेपर का एक सवाल सॉल्व करवाया, ऐसे अब हम दूसरा सवाल लेकर आते हैं, लेकर आ गए हैं. क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 8 है ना? क्वेश्चन नंबर 8 अब आपको हम सॉल्व कराएंगे. ये आपको दिख रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 ही है. तो चलो बिना टाइम देकर वीडियो की तरफ चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें पेपर तक अपने. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का ये क्वेश्चन है. आई थिंक 10 क्वेश्चन है, आप देखिएगा. आए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2, -4 एंड हैज द सेम ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल. विच इक्वेशन हुज इक्वेशन x² + y² - 4x - 6y - 23. इक्वेशन ही फाइंड करनी है और इसके अंदर आपको एक इक्वेशन दी हुई और एक पॉइंट दिया हुआ है. अब हम क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके ज़रिए हम क्या निकाल सकते हैं आपके सामने, हम सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं. सेंटर पॉइंट क्या होते हैं वहाँ पर, जी और एफ हमारे क्या होते हैं, सेंटर पॉइंट होते हैं. वहाँ पर जनरल इक्वेशन यहाँ पे लिखी क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c. हमने क्या करा, इस इक्वेशन को उठाया और इसके अंदर से एक पॉइंट निकालेंगे हम, सेंटर पॉइंट. देखें x² + y² हमने इसको ब्रेक कर दिया, 2 × 4 -4 ही बनेगा, लेकिन हमने इस इक्वेशन की मदद से +2 × 4 इसको हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया. अब हम 6 को भी इस तरीके से ब्रेक करेंगे, 2 × 3 = 6 और y प्लस हमने लगा दिया. क्यों? क्योंकि प्लस सी होता है, यहाँ पे -c हो रहा था तो हमने प्लस करके अंदर ब्रेकेट के अंदर हमने माइनस लगा दिया. जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो 23 हो जाएगा. अच्छा, अब देखें, जब हमने ये करा तो हमने किस चीज़ बताया था कि जी और एफ हमारे क्या होते हैं, सेंटर पॉइंट होते हैं. तो ये हमारी जी हुआ, ये हमारा एफ हुआ. -g = 2 - f = 3. हमने माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास 2 पॉइंट आ गया, 2, 3. ये हमारे पास क्या आया, सेंटर पॉइंट आया जो हमने इस इक्वेशन से निकाला. अब हमको क्या करना है, उसका रेडियस भी फाइंड करना है. एक पॉइंट हमको दिया हुआ है आपके सामने, ये रहा -2, -4 और एक पॉइंट हमको जो सेंटर निकला है. अच्छा जी, अब हमको पता होगा, 2 चैप्टर की तरफ जाते हैं, हमारे पास एक रेडियस का फॉर्मूला आता है, रेडिकल x² - x² + y² - y1² तो इसी फॉर्मूले के अंदर पहले हमने 11 पॉइंट रखा. ठीक है, फिर हमने इसके अंदर पॉइंट में रख के क्या करा, x2, ये देखें हम, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2. x2 रखना है हमारे को पहले, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, x² - x1 y² - y1² x2 हमने रख दिया, फिर x1 रख दिया हमने, फिर y2 रख दिया, फिर y1 रख दिया. फिर उसके बाद इसको फर्दर ही सॉल्व करा, क्या आंसर आया, 65 का रेडिकल आंसर आ गया. कैसे, -2 - 2 कितने होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर कितने, 49. इन दोनों को प्लस करेंगे, 16 + 49 65 आ जाएगा. 65 का रूट नहीं होता तो हमने रेडियस ये रखा. अब वहाँ पर एक और इक्वेशन आती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन वहाँ पर कौन सी होती है कि x - a² + y - b² = r² आर क्या है वहाँ पर, रेडियस है. आर हमारे पास रेडियस है, जी और एफ हमारे पास सेंटर पॉइंट है. अब आ जाए हम यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन x2. अब हम कौन सा पॉइंट पुट करेंगे, जो हमारा सेंटर पॉइंट निकला है, जो हमारा सेंटर पॉइंट रखा है वो पुट करेंगे, ज़्यादा पुट नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा सवाल. और जो सवाल में दिया हुआ है सिर्फ इसको रेडियस फाइंड करने के लिए दिया था, जो हमारा रेडियस फाइंड हो चुका है, रेडिकल 65. इस पॉइंट को हम जो रखेंगे उसे इसलिए रखेंगे कि हमारे पास ए और बी की मतलब सेंटर पॉइंट रखेंगे और ए और बी से हमारी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी. x - 2 y - 3 2 कहाँ से आया, सेंटर पॉइंट निकाला जो 2. 3 कहाँ से आया, जो सेंटर पॉइंट निकाला 3. अच्छा, माइनस कैसे आया, x - a. इक्वेशन के अंदर क्या होता है, x - a² मैं दिखाता हूँ आपको. y - b² = ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, x - a² + y - b² ए और बी की जगह हमने सेंटर पॉइंट पुट कर दिए. अब ये हमारा फॉर्मूले में खुल रहा है, कौन से फॉर्मूले में खुल रहा है, a² + 2ab + b² वाले फॉर्मूले में ये हमारे पास ओपन हो रहा है. a² + -2ab, माइनस लगा बीच में, -2ab - 2ab 2x और b² 2² 4x 4 आ गया. इसी तरह ये भी खुला हमारे पास फॉर्मूले में, ये भी हमारे पास फॉर्मूले में खुला. और 65 के ऊपर हमारे पास रेडिकल था, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 65 ए सी आ गया.
फिर x को हमने एक जगह कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई फिर माइनस सिक्स वाई, एक्स वाली वैल्यू को एक साथ कर लिया, फिर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर उठा लिया वाई स्क्वायर उठा लिया माइनस टू एक्स फिर माइनस सिक्स वाई, चार और नौ होते हैं हमारे पास 13, 65 को हम इधर लिया है तो ये इक्वल टू जीरो हो गया, 13 में से 65 जाएंगे तो कितने बचेंगे 52, और ये इस तरीके से हमारा आंसर बन गया है। यह हमारे को आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो हम आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरा ये है कि अगर आके मजीद आपको सॉल्व कराएंगे, कुछ भी नहीं है, एक इक्वेशन दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट हम आपको सिर्फ रेडियस फाइंड करना है, ये याद रखिएगा, इसको इस पॉइंट में पुट नहीं करना, स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर पुट नहीं करना, वरना पूरा सवाल गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, रेडियस निकालने के दिया है, और रेडियस का फॉर्मूला आपको मैंने दोबारा लिख देता हूँ, डी इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। रेडियस फाइंड या डिस्टेंस फाइंड करने का, तो दो पॉइंट थे, दो पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करा, उसके बाद हमने इक्वेशन में रखा। अलग आई होप आप लोगों को सवाल समझ आया होगा, इसी के साथ हम आपको भी सवाल सॉल्व करवाते रहेंगे, पूरा मॉडल पेपर इंशाल्लाह आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें बस अपने पेपरों तक, मिलते हैं किसी न्यू सवाल के साथ।